हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टॉप हटके टेक। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज कैसे रिकवर करते हैं उसकी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक का लिंक दे रखा है, तो सिंपली आप उस ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद उस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ एक्सेप्ट का ही परमिशन मांगेगा, एक्सेप्ट करना है, फिर स्किप करना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर ये सारे ऐप्स दिखेंगे। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद स्किप करना है और स्किप करना है। फिर यहाँ पर मल्टीमीडिया फाइल्स, इसको अनेबल करना है। अलाउ करके नोटिफिकेशन रीडर, इसको अनेबल करना है। नीचे जाकर ऐप का जो निशान दिख रहा है इसको अलाउ करना है। अलाउ होने के बाद आपका काम हो चुका है। सिंपली बैक जाकर राइट पर क्लिक कीजिए। आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ऐप एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये ऐप किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंपली आपको आपका व्हाट्सएप ओपन करना है और आपके सामने वाला फ्रेंड किसी भी तरह का अगर आपको मैसेज करता है, ठीक है, मैसेज करके जैसे कि ये इस तरीके का कुछ मैसेज करा है ना, और उसने इस मैसेज को डिलीट कर दिया, इस तरीके से डिलीट कर दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको सिंपली उस ऐप को ओपन करना है और आपका ये मैसेज जो था वो वाला यहाँ पे सेव हो चुका है। तो है ना कमाल की ऐप। ये ऐप आपके मोबाइल में वर्क ना करे ना, तो सिंपली आप इस ऐप को ओपन करना है और जो रिस्टार्ट सर्विस पर है उस पर क्लिक करना है। रिस्टार्ट सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐप का आइकन दिख जाएगा आपको। इसको एक बार ऑफ करना है, फिर इसको ऑन करना है। इस ऐप के बारे में आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो घंटी का निशान है उसे ठोक देना ताकि हमारी वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।